अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, क्रिकेट के शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ जानने का शौक रखते हैं। अब चाहे वो मालूमात इनके खेल से मतलब हों या फिर निजी ज़िंदगी के बारे में, यहाँ तक कि अक्सर अफराद तो इस महाना आमदनी से मतलब भी जानने की कोशिश करते हैं जो इन्हें क्रिकेट बोर्ड की जानब से महाना तनख्वाह की मद में अदा की जाती है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB महाना तनख्वाह की मद में एक भारी रकम अदा करता है। हम यहाँ ना सिर्फ और इन रकूम के बारे में आपको बताएंगे बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानब से हासिल होने वाली महाना आमदनी का मुआवजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से भारतीय क्रिकेटर्स को अदा की जाने वाली महाना आमदनी या तनख्वाह से भी करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड की जानब से खिलाड़ियों को अदा की जाने वाली महाना रकूम से मतलब एक हैरान कन रिपोर्ट सामने आई है। ताहम इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेटर्स को मिलने वाली महाना तनख्वाह के दरमियान एक बड़ा फ़र्क देखकर इंसान चौंकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम PCB ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज़ में तकसीम कर रखा है। इन कैटेगरीज़ के नाम कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी है। कैटेगरी ए में शामिल खिलाड़ी सरफराज अहमद, अजहर अली, शोएब मलिक, यासिर शाह, मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद आमिर। कैटेगरी बी में शामिल खिलाड़ी बाबर आजम, अमाद वसीम, असद शफीक और हसन अली। कैटेगरी सी में शामिल खिलाड़ी वहाब रियाज, राहत अली, हारिस सुहेल, समी असलम, शान मसूद, सहेर खान, फ़खर जमान, जुनेद खान, अहमद शहजाद, मोहम्मद अब्बास और शदाब खान शामिल हैं। कैटेगरी डी में शामिल खिलाड़ी मोहम्मद नवाज़, आसिफ जिकर जाकिर, उस्मान सलाहुद्दीन, आमिर यामीन, उस्मान शनवारी, फ़हीम अशरफ, रमान राइस, इमाम हक, बिलाल आसिफ, मीर हमजा, उमर अमीन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद असगर और मोहम्मद अरफान शामिल है। दोस्तों, कैटेगरी ए के एतबार से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनख्वाहें। कैटेगरी ए, इस कैटेगरी में शामिल हर खिलाड़ी को तकरीबन 6,50,000 रुपये महाना अदा किए जाते हैं जो कि भारतीय क्रिकरेंसी में 4 लाख रुपये बनते हैं। कैटेगरी बी, इस कैटेगरी में मौजूद हर खिलाड़ी की महाना तनख्वाह तकरीबन 4,50,000 रुपये होती है जो कि भारतीय करेंसी में 2,76,000 रुपये बनती है। कैटेगरी सी, इसमें शामिल किए जाने वाले खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड की जानब से हासिल होने वाली महाना आमदनी तकरीबन 2,60,000 रुपये होती है जो कि भारतीय करेंसी में 1,60,000 रुपये बनती है। कैटेगरी डी, इस कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों की तनख्वाह सबसे कम होती है जो कि फ़ी खिलाड़ी तकरीबन 1,79,000 रुपये है और ये भारतीय करेंसी में 1,10,000 रुपये बनती है। दोस्तों, भारत की क्रिकेट टीम को भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में तकसीम कर रखा है, जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए के अतबार से भारतीय खिलाड़ियों की तनख्वाह। ग्रेड ए में शामिल खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से तनख्वाह की मद में महाना भारतीय 2 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं। ग्रेड बी में शामिल भारतीय खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड महाना भारतीय 1 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में अदा करता है। ग्रेड सी, इस ग्रेड में शामिल भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से महाना भारतीय 50 लाख रुपए तनख्वाह अदा की जाती है। दोस्तों, आप देख रहे थे अहमद टीवी। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल अहमद टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की मालूमाती, दिलचस्प और तफरीही वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम।